नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। क्या दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर रासुका लगेगा? क्या अब दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में बैठी महिलाओं को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगी? ये सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया है। यही नहीं, इस कानून के तहत दिल्ली पुलिस किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए महीनों तक हिरासत में रख सकती है। ये अधिसूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। इसके मुताबिक उपराज्यपाल के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 की उपधारा 3 का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह अधिसूचना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसका सीए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उपराज्यपाल की ओर से जारी हुई इस अधिसूचना को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले एक महीने से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले कालिंदी कुंज वाला रास्ता बंद है। ये रास्ता भी एक महीने से बंद है और इसका खामियाजा उन हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है जो लोग रोजाना दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली की ओर सफर करते हैं। शाहीन बाग की सड़क बंद होने की वजह से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। जो रास्ता पहले 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाया करता था, उसके लिए लोगों को DND को पार करके आना पड़ता है और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस भी रास्ता खोलने की अपील कर चुकी है, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले एक ट्वीट भी किया था कि हम शाहीन बाग में रोड 13A पर बैठे प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो हाईवे ब्लॉक होने की वजह से दिल्ली NCR के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और स्कूल जाने वाले छात्रों के बारे में सोचें और रास्ता खाली कर दें। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था और जनता के हित को देखते हुए कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए कानून व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस कभी भी रोड खाली करा सकती है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस अधिसूचना का शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये नोटिफिकेशन हर 3 महीने में निकलता है और सालों से ऐसा होता आ रहा है। इसे प्रोटेस्ट से जोड़ना सही नहीं है।